वैसे तो अस्पताल में भर्ती मरीजों के मन में अपनी बीमारी को लेकर भय रहता है और जल्द स्वस्थ होने की चिंता लग रहती है। अस्पताल के वातावरण से ही एक तरह का डर मरीजों के जहन में बना रहता है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को ऐसा लगता ही नहीं कि वह किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। यहाँ मरीजों के मनोरंजन के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ गानों की धुन पर नृत्य करने के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर और नर्स का गरबा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे कोरोना का उपचार करा रहे मरीजों के चेहरे पर भी खुशी साफ देखने को मिल रही है। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सहित 50 से अधिक लोगों का स्टाफ मरीजों के इस तरह देखभाल करते हैं। जैसे भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, अकॉर्डिंग नेगेटिव पेशेंट हुआ, पॉजिटिव पेशेंट हुआ, उनके वार्ड अलग बना रखे हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स के वार्ड अलग बना रखे हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, भजन चलाते हैं, सुबह भजन बजाते हैं, शाम को भजन चलाते हैं, मतलब कुल मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है। मेडिकेशन अपना काम करती है, बाकी सुबह योगा भी किया कराया जाता है, आँख वगैरह दिलाने मशीन वगैरह सब यहाँ पर नेबुलाइजर वगैरह किया जाता है टोटल में। और अभी और भी एक्टिविटीज हम फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि सिंगिंग वगैरह है, तो डांसिंग वगैरह भी होता है, गरबा वगैरह करते हैं, स्टाफ नर्स वगैरह या फिर कुछ पेशेंट जो नेगेटिव है उनके साथ में गरबा किया जाता है, कुछ पेशेंट जो सेटल्ड है वो कुछ सिंगिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ हास्य कविता वगैरह करना चाहते हैं, ये सब होने वाला है। ये हमारे जो सिटीजर्स है उनके द्वारा ये सब एक्टिविटीज़ होने वाली है।